और इस बीच एक बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, टीएमसी नेता शारजा शेख गिरफ्तार हो चुके हैं। लगातार यही मांग की जा रही थी कि आखिर शारजा शेख कहाँ है, कयास लगाए जा रहे थे कि वो बांग्लादेश भाग गए, लेकिन इस बीच ये सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, संदेश खाली मामले में लगातार शारजा शेख फरार चल रहे थे। ईडी की तरफ से शिकंजा कसा जा रहा था, टीएमसी पर लगातार सवाल खड़े किए जा रहे थे, लेकिन इस बीच ये सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, टीएमसी नेता शारजा शेख की गिरफ्तारी हो चुकी है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, इस पूरे मामले को लेकर आपने देखा कि किस तरीके से सियासी घटनाक्रम लगातार बदलता हुआ नजर आया। वहां की महिलाएं, वहां की जो बच्चियां हैं, उनकी तरफ से साफ तौर पर कहा जा रहा था कि किस तरीके से शारजा शेख और उसके जो गुर्गे वहां पर थे, किस तरीके से उन्हें परेशान कर रहे थे। आशिका हमारी सहयोगी फोन लाइन के जरिए ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ रही है। आशिका, शारजा शेख की गिरफ्तारी? बिल्कुल, इस समय की सबसे बड़ी खबर संदेश खाली का जो खलनायक शेख शाहजहां, उसकी गिरफ्तारी हुई है। मिनाखा इलाका है जो कि संदेश खाली से ही सटा हुआ है, वहां से ये गिरफ्तारी हुई है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पहुंचने वाले हैं, उसके एक दिन पहले ठीक आज सुबह सुबह शेख शाहजहां की गिरफ्तारी हुई है। इस बारे में संभव है कि पश्चिम बंगाल के डीजी कुछ देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और जानकारी दे, लेकिन फिलहाल जो जानकारी मिल रही है, शेख शाहजहां उसको गिरफ्तार किया जा चुका है। आपको ये भी याद दिला दें कि टीएमसी की तरफ से ये दावा किया जा रहा था कि कोर्ट में हाथ बांध रखे हैं, लेकिन कोर्ट की तरफ से जब कड़ी टिप्पणी आई, उसके बाद टीएमसी ने ये दावा किया था कि 7 दिन के भीतर शेख शाहजहां गिरफ्तार हो जाएगा। और वही तस्वीर कल शुभेंदु अधिकारी, भाजपा के नेता हैं, उन्होंने ट्वीट कर ये दावा किया था कि शेख शाहजहां को गिरफ्तार कर लिया गया है, उसके साथ डील हो गई है। और इसके बाद न्यूज 18 इंडिया पर देखिए, सबसे पहले हम आपको ये खबर बता रहे हैं कि शेख शाहजहां की गिरफ्तारी हो चुकी है। आज सुबह तड़के मिनाखा से उसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है और कोलकाता ले आया जा रहा है फिलहाल, ये जानकारी। बिल्कुल, और आशिका, जिस तरीके से लगातार ये दावा किया जा रहा था कि टीएमसी संरक्षण दे रही है, ये जो डील की बात निकल कर आ रही है, क्या डील हुई है और जब गिरफ्तारी हुई उसके बाद से अब तक कोई रिएक्शन सामने आया है? देखिए, अभी तुरंत न्यूज 18 इंडिया पर सबसे पहले हमने ये खबर दिखाई कि संदेश खाली का जो खलनायक है, जो बेटा बादशाह जिसे कहा जाता था, उसकी गिरफ्तारी हुई है। धीरे धीरे करके पॉलिटिकल रिएक्शन उस पर आना शुरू होंगे। उसके पहले संभव है कि राज्य के जो डीजी है राजीव कुमार, वो इसकी घोषणा करें और भी डिटेल्स बताएं। लेकिन आपको ये याद दिला दें कि रिएक्शन की बात करें, कल ही शुभेंदु अधिकारी ने ये कहा था कि डील हो चुकी है, जबकि इसके जवाब में टीएमसी की तरफ से ये कहा जा रहा था कि अगर शुभेंदु अधिकारी जानते हैं कि शेख शाहजहां कहाँ है तो बता दें, पुलिस उनको गिरफ्तार कर लेगी जाकर के। लेकिन आज गिरफ्तारी अब